बरेली में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को पुलिस को रोकना भारी पड़ गया। उल्लंघन कर रहे लोग पुलिस पर ही हमलावर हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बात करेंगे शाहजहांपुर की। यहां आज बिजली की तार से निकली एक चिंगारी की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे सैकड़ों बीघा गेहूं की तैयार खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन। सिंधौली क्षेत्र में आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। थाना क्षेत्र सिंधौली के गांव भटपुरा, रसूलपुर और कुतुबपुर सिंसी के बीच खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने से देखते ही देखते सैकड़ों बीघा गेहूं की तैयार खड़ी फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। आपको बता दें कि गांव भटपुरा रसूलपुर के भट्टू शेख और सैफुद्दीन अली समेत कई किसानों की फसल जलकर राख हो गई। वहीं थाना क्षेत्र सिंधौली के ही गांव नगरिया में भी आग लगने से करीब 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। नगरिया निवासी महिपाल ने बताया कि किसी राहगीर ने गेहूं के खेत में बीड़ी फेंक दी, जिससे आग लग गई। फिलहाल ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची डायल 112 ने लोगों से पूछताछ की। कोविड-19 के संक्रमण के चलते सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन के द्वारा महानगर स्थित गुरुद्वारा कुटिया साहिब को सैनिटाइज कराया गया। आपको बता दें कि अग्निशमन की टीम द्वारा गुरुद्वारे को सैनिटाइजेशन करने का काम किया गया। लॉकडाउन के चलते यहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब लोग भी मदद करने को आगे आ रहे हैं। आज बंडा क्षेत्र स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचाए। आपको बता दें कि इस संस्था की ओर से पिछले कई दिनों से जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 5 ई रिक्शा को भी सीज किया है। कोतवाली क्षेत्र में कुछ ई रिक्शा चालक रिक्शा लेकर घूम रहे थे, तो जब पुलिस ने उनसे घूमने की वजह जानी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने ई रिक्शा को सीज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन में प्रभावित रेलवे से जुड़े दैनिक आय वाले कुली वेंडर आदि के पक्ष में नरमू आया है। नरमू शाहजहांपुर के सचिव नरेंद्र त्यागी ने मांग की है कि लॉकडाउन में रेलवे का संचालन बंद है, ऐसे में दैनिक आय पर आधारित रेलवे के कुली वेंडर आदि की आय के साधन बंद हो गए हैं। उनके परिवार के जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी के साथ रेलवे में निर्माण कार्य और सफाई कार्य में लगे ठेकेदार लेबर भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने 158 लोगों की लिस्ट व मांग पत्र सहायक नगर आयुक्त को सौंपते हुए पात्रों की सूची में सम्मिलित कर मुख्यमंत्री से घोषणा अनुसार राहत कोष से 1,000 रुपये प्रतिमाह दिलाने की मांग की है, जिस पर प्रशासन द्वारा सकारात्मक रुख अपनाते हुए सूचीबद्ध कर राहत दिलाने का आश्वासन दिया गया है। नगर पुआया में काशीराम कॉलोनी में आज विश्व हिंदू रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस कॉलोनी से बार बार शिकायतें आ रही थीं कि यहां लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते संगठन ने आज अपने कार्यकर्ताओं की मदद से यहां जरूरतमंदों को राशन वितरित किया।